हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट गायब होने पर क्या लगता है? तो क्या लगा दोगे? दूसरे में देखना है, यू मतलब सब्जेक्ट तो दिया है, यू आर एक्सप्लेनिंग आप समझा रहे हो, मतलब गायब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, तो क्या लगाओगे? लड़का जिसका मोबाइल आप यूज कर रहे हो, तो मोबाइल आपका क्या है? नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा? पजेसिव, पजेसिव मतलब। चलिए सारे बच्चे तैयार हैं? सच्ची मुच्ची? चलो मैं भी तैयार हूँ शानदार तरीके से पढ़ाने के लिए। सो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? रिलेटिव मतलब क्या हो गया? रिश्तेदार। और प्रोनाउन मतलब ऐसा सर्वनाम जो हमारा रिश्तेदार हो, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अरे हंसने वाली बात नहीं, सच में। एक मिनट इधर देखो, मैंने कहा द बॉय हु इज विथ यू, ये सारे के सारे सेंटेंसेस में ये, हालांकि इनकम्प्लीट सेंटेंस अभी पूरे लिखे नहीं है मैंने, हु विच वेयर इन विच, ये सब इस पर्टिकुलर नाउन के यहां पर रिश्तेदार हैं जो इस नाउन को रिलेट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हुए? हु, आया समझ में? ये सब आपके क्या हो गए? एंड एक सेकेंड, मैंने कहा शहर जिसमें आप रहते हो बहुत ही शांत है, तो कहा जाएगा द सिटी इन विच यू लिव इज वेरी पीसफुल। अब मुझे बताओ यहां पर ये इन विच क्या है, जो किसका मतलब दे रहा है? जिसमें, जिसमें आप, ऐसे ही देखो, द बॉय हु इज विथ यू इज माई फ्रेंड, लड़का जो आपके वो मेरा, तो यहां लड़के का, ये हु का मतलब क्या निकल रहा है? जो कि क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वैसे हु का मतलब आपने बेसिक इंग्लिश में क्या पढ़ा? कौन। लेकिन यहां हु का मतलब कौन नहीं निकल रहा, क्या निकल रहा है? कुछ आया समझ में? नहीं आया। ऐसे ही आगे देखो, ये हु जो है इसका मतलब भी क्या निकल रहा है? द गर्ल हु इज वेयरिंग रेड कैप, लड़की जिसे लाल रंग की कैप पहनी है, जो लाल रंग की कैप पहनी है, इज माई सिस्टर, इज माई, वो मेरी बहन है। द गर्ल हु इज वेयरिंग रेड कैप इज माई सिस्टर, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन हुआ? ये समझ में आया? आगे ले चलू? चलो तो अब आपको मैं रिलेटिव प्रोनाउन डिटेल में पढ़ाता हूं कि क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे हु, दूसरा देखेंगे व्हाट, तीसरा देखेंगे विच, चौथा देखेंगे दैट, क्योंकि भाई ये चारों ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन है जिनमें चारों का मतलब क्या निकलता है, इसलिए इन चारों को हम एक साथ देखेंगे, क्योंकि चारों का मतलब जो होता है। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन में फिर हम आगे देखेंगे वेयर, जो कि रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर यूज होता है, जिसका मतलब होता है जहां, एक होता है वैन जिसका मतलब होता है जब, एक होता है आपका हुज जिसका मतलब होता है जिसका, जिसका जिसकी जिसके, एक होता है आपका होम जिसे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये भी हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सारे स्टूडेंट तैयार हैं? आ जाओ सीखते हैं। हु का उपयोग करते हैं पर्सन के साथ, किसके साथ? व्हाट का यूज करते हैं विचारों के साथ, थॉट्स के साथ, बातों के साथ। विच का यूज करते हैं आप? नहीं, इसका यूज करते हैं थिंग्स के साथ, किसके साथ? और एनिमल्स के साथ, जितनी भी वस्तुएं हैं और एनिमल्स हैं उनके साथ क्या लगाओगे? विच। इसके बाद दैट का उपयोग करते हैं सभी के साथ, मतलब हु के जगह भी, व्हाट की जगह भी, और विच की जगह क्या लगा सकते हो आप? लेकिन कब लगा सकते हो? जब सेंटेंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आए, वो स्पेसिफिक वर्ड्स में लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं। जब सेंटेंस में आता है द सेम, क्या आता है? एवरी, समबडी, है ना, और ऐसे भी काफी सारे जो रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, वो अगर आपके सेंटेंस में आए तो आपको वहां क्या लगाना है, कैसे लगाना भी आगे बताऊंगा, है ना। चलो अभी हम आगे बढ़े। चलो अब हम सबसे पहले पर्सन की बात करते हैं, करें बात। यहां देखो सभी के सभी, मैंने कहा रोहित जो कल
एब्सेंट था आज प्रेजेंट है. बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी. रोहित हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे कॉमा. कॉमा के बाद में आपको बार बार कोई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लगा दोगे. वो आज क्या है. इज टुडे. आ रही क्या बात समझ में. नहीं आ रही. या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसा बना दो और करके अथवा करके कि रोहित इज प्रेजेंट टुडे हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे. कुछ आया क्या समझ में. नहीं आया. क्या समझाया मैंने कि रोहित जो कि कल एब्सेंट था वो आज प्रेजेंट है. तो आप कहोगे रोहित हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे इज प्रेजेंट टूडे. आया क्या समझ में. ऐसे ही भाई मैंने और भी सेंटेंस बनाता हूं मैं ना. ध्यान देना. लड़के जो वहां बैठे हुए हैं या बैठे हैं मेरे क्लासमेट्स हैं. मेरे आओ कितने लोग इसकी इंग्लिश कर सकते हैं. चलो बोलो जो जो कर सकते हैं. अब जो वहां बैठे हैं इसको इंग्लिश में कहेंगे हु आर सिटिंग देयर. क्या बोलोगे. हु एक्सलेंट. ठीक है. इज एक मिनट. इसकी आर ये जो इज और आर है वो किस पर डिपेंड करेगा. यहां पर लिखा है द बॉयज इसलिए यहां क्या लगाओगे. अगर यहां द बॉय लिखा होता तो इज लगाते. तो आर माय क्लासमेट्स. आया क्या समझ में. नहीं आया. चलो दूसरा ध्यान देना. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. पूरा अटेंशन चाहिए. आप इसको और करके और क्या लिख सकते हो. दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है बताइए. बॉयज आर माय क्लासमेट्स हु आर सिटिंग. आ रही क्या बात समझ में. नहीं आ रही. पक्का. द बॉयज आर माई क्लासमेट्स हु आर सिटिंग देयर. या फिर आप कह सकते हो कि द बॉयज हु आर सिटिंग देयर. अगर ऐसा लिखोगे ना तो याद रखना है यहां पर भी कॉमा लगाना और लेकिन नीचे वाले में कहीं कोई कॉमा नहीं लगाना है. बताओ क्यों. क्योंकि नीचे वाले में हमने सेंटेंस को तोड़ा ही नहीं ना. ऊपर वाले ने देखो पहले द बॉयज लिख दिया फिर क्या लिखा. जो वहां बैठे हैं हु आर सिटिंग देयर आर माई क्लासमेट्स. यू गॉट इट. नहीं आई बात समझ में. ऐसे ही मैंने कहा. सुनना ध्यान से. आदमी जो बाहर खड़ा हुआ है वो किशन के फादर है. द मैन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज किशन्स. आ रही क्या बात समझ में. नहीं आ रही. ठीक है ना. सो द मैन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड. आदमी जो कहां खड़ा हुआ है. बाहर खड़ा हुआ है. इज किशन्स फादर. वो कौन है. किशन के पापा है. किशन के फादर है. गॉट इट. कितने लोगों क्लिक हो गया. वाओ वेरी गुड. अब हम दूसरे वाला देखते हैं ना. अब हम बात करेंगे थॉट्स की. इसको कैसे जोड़ेंगे बहुत ध्यान से सुनना. बोलो जो आप बोल सकते हो. सुनना ध्यान से. मैंने कहा बोलो जो आप बोल सकते हो. क्या बोलोगे. स्पीक व्हाट यू कैन. आ रही क्या बात समझ में. नहीं आ रही. मैंने कहा आप
कर सकते हो जो आप सोचते हो। क्या बनेगा बोलो? यू कैन डू वॉट यू थिंक। एक बार फिर से बोलो, यू कैन डू वॉट यू थिंक। तो यहां पर वॉट का मतलब क्या निकल रहा है? जो। कुछ आया समझ में? पक्का पक्का? कल आपका टेस्ट हो मान लो, यहां पर खाली जगह दे दे, ऑप्शन में दे दे आपको हम हु, ऑप्शन में दे दे हम आपको विच, ऑप्शन में हम आपको दे दे व्हाट, और ऑप्शन में आपको हम दे 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 दैट। अब इन चारों का मतलब जो होता है, होता है नहीं होता है? और आपसे कहा फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। सही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके इस खालिस्तान को फिल करो। तो आपको देखना है कि यू कैन डू, आप कर सकते हो, यू थिंक, जो आप सोचते हो। तो सोचना क्या होता है? विचार होता है, थॉट होता है। थॉट के लिए क्या लगता है? मतलब सही आंसर क्या होगा? कुछ आई बात समझ में? नहीं आई? तो ये है भाई रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत सरल और साधारण टॉपिक है, समझने वाला विषय है, एक बार में समझ में आ जाता, कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं है। कुछ आया समझ में? बोलो जो आप बोल सकते हो। स्पीक व्हाट यू कैन। जो आपने कहा वो 100% सही है। बोलो, जो आपने कहा, व्हाट यू सैड इज 100% राइट या करेक्ट। जो आपने कहा, व्हाट यू सैड इज 100% राइट, इज 100% आई क्या बात समझ में? जो आपने कहा मैंने नहीं सुना। व्हाट यू सैड आई डिड नॉट लिसन, या फिर आप कहोगे आई डिड नॉट लिसन व्हाट यू। कुछ आई क्या बात समझ में? आई डिड नॉट लिसन व्हाट यू सैड, या फिर आप यहां से शुरुआत कर दो, व्हाट यू सैड आई डिड नॉट लिसन, मैंने नहीं सुना जो आपने बोला, मुझे नहीं समझ में आया जो आपने समझाया। I did not understand what you explained. Explained में ED लगेगा ना, explained. You got it? मैं समझ सकता हूं जो आप कह रहे हो। I can understand what you are saying. What you are saying की what you say? What you are saying, जो आप कह रहे हो। I'm talking about present continuous tense. कौन सा tense? You got it everyone? Yes sir, मुझे समझ में आ गया जो आपने पढ़ाया। क्या बनेगा? Yes sir, I have understood what you have taught. फिर से बोलो। Yes sir, I have understood what you have taught. Sir, मुझे ना समझ में नहीं आया जो आपने पढ़ाया। Sir, I did not understand what you taught. क्या सर एक बार आप रिपीट कर दोगे जो आपने पढ़ाया? सर 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 सर, क्या एक बार रिपीट कर दोगे? सर विल यू प्लीज रिपीट, कम ऑन, सर विल यू प्लीज रिपीट व्हाट यू हैव टॉट। चलो आगे देखते हैं विच। अगला क्या है? पहले बताओ हु किसके साथ, व्हाट किसके साथ, विच किसके साथ, थिंक्स और एनिमल के साथ। मुझे वो पेन दो जो आपके पास है। गिव मी द, क्या बोलोगे? जो आपके पास है। विच यू, कुछ आया क्या समझ में? नहीं आया? सर ये पेन मैं नहीं दे सकता जो मेरे पास है। आई कांट गिव This pen which I, आई के बाद समझ में? I can't give this pen which I have. You got it? You got it? किताब जो आपके पास है वो मेरी है। The book which you have is mine. You got it? The book which you have is mine. Book जो आपके पास थी वो मेरी थी। द बुक
विच यू हैड वॉज माइन. यू गॉट इट रियली? अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आई गारंटी आप रिलेटिव प्रोनाउन को 50% समझ गए, क्योंकि इसके बाद मैं सिर्फ आपको बताऊंगा और आप समझ जाओगे कि आगे क्या होने वाला है. आप जिस जिस सेंटेंस में द सेम वगैरह कुछ लिखा है तो वहां क्या लगा देना, रवि वही लड़का है जो कल एब्सेंट था. रवि इज द सेम बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे की दैट वॉज एब्सेंट यस्टरडे. एक्सलेंट. रवि इज द सेम बॉय दैट वॉज एब्सेंट यस्टरडे. मुझे वही वाला पैन दो जो कल आपके पास था. गिव मी द सेम पैन विच यू हैड यस्टरडे की दैट यू हैड यस्टरडे. दैट यू हैड यस्टरडे जो कल आपके पास था तो वहां क्या लग जाएगा. मैं जानता हूं उस जगह के बारे में जहां आप जा रहे हो. आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग. क्या आप उस स्कूल में पढ़ते हो जहां मैं पढ़ा करता था. डू यू स्टडी इन द स्कूल जहां मैं पढ़ा करता था. वेयर आई यूज टू स्टडी. यूज टू पढ़ाया ना सबने. क्या आप उस स्कूल में पढ़ते हो. डू यू स्टडी इन दैट स्कूल या इन द स्कूल जहां मैं पढ़ा करता था. वेयर आई यूज टू. जी हां, मैं उसी स्कूल में पढ़ता हूं जिस स्कूल में आप पढ़ा करते थे. यस, आई स्टडी इन द स्कूल वेयर यू यूज टू स्टडी. अब मुझे बताओ क्या समझ में है. yes, सच्ची मुच्ची. लॉक कर दे. yes, सो रहे हो. हाँ, ये तो बहुत जोर से बोलेंगे. हाँ, देखिए प्लीज. तो वेयर मतलब क्या हो गया. जहां. इधर ध्यान दो सारे स्टूडेंट. अटेंशन 100%. वेयर मतलब हो गया जहां. वेन मतलब क्या होता है. जब. वेन मतलब क्या होता है. जब. वेन मीन्स जब. मैंने कहा जब मैं वहां गया. वेन आई वेंट देयर. जब मैं वहां गया मैंने देखा वो सो रहा था. वेन आई वेंट देयर आई सॉ ही वॉज. आई के बात समझ में. जब मैंने उसे बुलाया तो वह नहीं आया. When I called him, he did not come. तो when का मतलब कब नहीं है, जब निकल रहा है. क्या निकल रहा है. आप जा सकते हैं जब आप जाना चाहें. You can go when you want to go. You can go when you want to. आप आ सकते हैं जब आप आना चाहते हैं. You can come when you want to come. कोई डाउट है. इज एवरीथिंग क्लियर. पक्का पक्का. लॉक कर दे. चलो आगे देखते हैं. When के बाद अगला है whose. Whose मतलब क्या होता है. जिसका, जिसकी, जिसके. क्या मतलब होता है whose का मतलब. मैंने कहा रवि जिसके पापा. रवि जिसके पापा मेरे दोस्त हैं वह तुम्हारा क्लासमेट है. रवि जिसके पापा मेरे दोस्त हैं. whose father is my friend. आ रही क्या बात समझ में. रवि whose father is my friend. जिसके पापा मेरे दोस्त हैं. is वो तुम्हारा क्लासमेट है. is your क्लासमेट. you got it. किशन जिसका भाई मेरा दोस्त है तुम्हारा दोस्त है. क्या बोलेंगे. किशन हुज ब्रदर. जिसका भाई मतलब हुज ब्रदर. जिसका भाई तुम्हारा दोस्त है. हुज ब्रदर इज योर फ्रेंड इज माय फ्रेंड. तो देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि किशन जिसका भाई तुम्हारा दोस्त है वह मेरा दोस्त है. तो मेरा दोस्त किशन है कि उसका भाई है. किशन है महान लोगों. ये देखो इधर. किशन इज माय फ्रेंड हुज ब्रदर इज. कुछ आ रही बात समझ में. नहीं आ रही है. ऐसा है भाई वो.
तो किशन इज माई फ्रेंड हुज ब्रदर इज योर फ्रेंड. किशन मेरा दोस्त है जिसका भाई. कुछ समझे नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? ऐसी बात है. तो हुज मतलब क्या होता है? जिसका, जिसकी, जिसके. वेन मीन्स क्या होता है? जब. वेयर मीन्स. इसके बाद नेक्स्ट है आपका हुम. हुम मतलब क्या होता है? जिसे. अब यह हु और हुम के बीच में अंतर देख लो बच्चा. सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां पर होता है? हु और हुम में. इधर देखो, हु का मतलब जो या जिसे भी होता है. पूरा अटेंशन चाहिए मुझे सभी का. हुम का मतलब जिसे भी होता है या जिसको भी होता है. और हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके. क्या होता है? अब ये तीनों जो है ना, तीन अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं भैया. एक यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, एक यूज होता है आपका ऑब्जेक्ट के लिए, और एक होता है आपका पजेसिव के लिए. आई क्या बात समझ में? एक किसके लिए यूज होता है? दूसरा, तीसरा, पजेसिव. देखो कैसे यूज होता है, ध्यान देना. मैंने कहा लड़का जो तुम्हें समझा रहा है मेरा भाई है. दूसरा, लड़का जिसे तुम समझा रहे हो मेरा भाई है. ध्यान देना, तीनों को यूज अलग अलग है. सी, लड़का जिसका मोबाइल तुम यूज कर रहे हो मेरा भाई है. ये यहां पर कितनी सिचुएशन है? पहली में जो तुम्हें समझा रहा है, दूसरी में जिसे तुम समझा रहे हो, और आ रही की बात समझ में? तो जिसमें जो व्यक्ति काम कर रहा है वो कौन है? सब्जेक्ट. उसके लिए लगाओगे हु. क्या लगाओगे? मतलब यहां पर क्या लगाओगे? दूसरा, जिसे तुम समझा रहे हो, तो तुम कौन हो गए? सब्जेक्ट. मतलब गायब कौन हुआ? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाओगे? हुम. और तीसरा, जिसका मोबाइल, हुज मोबाइल यू आर यूजिंग इज माय ब्रदर. तो मैं तीनों सेंटेंस लिख रहा हूं. ए को लिख रहा हूं पहले, द बॉय Who is explaining you is my brother. आई क्या बात समझ में? अरे आई नहीं आई? The boy who is explaining you is my brother. Number one, first वाला. Second, B. दूसरा, लड़का जिसे तुम समझा रहे हो. So the boy whom you are explaining. Whom you are? यहां पर समझाने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो. यहां पर समझाने का काम कौन कर रहा है? Who कर रहा है. तो सब्जेक्ट के लिए who, ऑब्जेक्ट के लिए whom. तीसरा वही लगेगा इसमें भी. क्या? इसमें, ये तो कॉमन है, इज माई ब्रदर सब में आएगा. तीसरा, लड़का जिसका मोबाइल तुम यूज कर रहे हो. तो द बॉय हुज मोबाइल You are using is my. आया क्या समझ में? अरे आया नहीं है? अब यहां पर आप सिचुएशंस देख लो. नाउ यू कैन सी द सिचुएशन, हु, होम एंड हुज. अब कल को आपका टेस्ट हो, और टेस्ट में यहां पर ये चीजें यहां से हटा दी जाए और आपको दी जाए ब्लैंक जगह. तो आप सबसे पहले देखना कि यहां क्या लिखा है. हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट गायब होने पर क्या लगता है? तो क्या लगा दोगे? दूसरे में देखना, यू मतलब सब्जेक्ट तो दिया है. यू आर एक्सप्लेनिंग, आप समझा रहे हो, मतलब गायब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. तो क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? सो द बॉय होम यू आर एक्सप्लेनिंग, लड़का जिसे तुम समझा रहे हो इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है. और तीसरा, द बॉय मोबाइल यू आर यूजिंग, मतलब लड़का जिसका मोबाइल आप यूज कर रहे हो. तो मोबाइल आपका क्या है? नाउन है. नाउन से पहले क्या आएगा? पजेसिव. पजेसिव मतलब कुछ. आया समझ में? नहीं आया?
तो कल को जब आपका टेस्ट हो, टेस्ट में अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के ऐसे क्वेश्चन फिलअप में आते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लंबी गहरी सांस लेना है, दो बार रीड करना है, हिंदी निकालना है और उसके अकॉर्डिंग हु, हुम और हुस को फिट करके आ जाना है। दैट्स ऑल। गेटिंग